अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहदेव एंड यू आर वॉचिंग जेपी टेक। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा कंपैरिजन सैमसंग A52 वर्सेस वीवो V20। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के साथ देखने को मिल जाते हैं और जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो भी तकरीबन मिलती जुलती ही हैं। लेकिन आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बाई कर लेना चाहिए, आपको वैल्यू फॉर मनी कौन सी प्रोवाइड करता है, आज की वीडियो कम्प्लीट इसी के बारे में होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और आप वो बाय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी किस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इनके प्राइसेस और वेरिएंट की। तो यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसका हमें एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ है। इसकी जो प्राइस है वो 58,000 है, लेकिन आपको डिस्काउंट के साथ 53-54 इस तरह ईजिली देखने को मिल जाएगा। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे वीवो V20 की, तो इसकी जो प्राइस है 55,000 है और 52,000-51,000 ऐसे कहीं पे डिस्काउंट के साथ ईजिली देखने को मिल जाएगा, और इसका भी वेरियंट 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला ही है। और इसके अलावा यहाँ पे आप बात कर लीजिए इनके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन वाइज दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसकी बैक साइड पे हमें मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगी प्लेन, और यहाँ पे बैक साइड पे जो वर्टिकल कैमराज है वैसे सेटअप किया गया है, वर्टिकली 3 कैमराज 7 फोटो सेंसर, और उसके नीचे ही हमें LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल का यहाँ पे अलग से जो कलर है वैसे वो नहीं देखने को मिलता, एक ही कलर का बैक साइड पूरी ही देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी एक लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सैमसंग की ब्रांडिंग है नीचे वाली साइड पे। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे पंच होल देखने को मिलेगा, सेंटर के ऊपर उसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A52 की जो लुक है वो काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए वीवो V20 की, तो इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है, बैक साइड पे ग्रेडिएंट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा वीवो की ब्रांडिंग और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो सेटअप जो है कैमरा मॉड्यूल का वो भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा सा मेन सेंसर, नीचे 2 सेंसर, और उसके नीचे ये हमें जो LED फ्लैश लाइट है वो देखने को मिल जाती है। जबकि यहाँ पे फ्रंट साइड की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे पंच होल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ओल्ड हो गया है, यहाँ पे पंच होल देना चाहिए था। तो खैर यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच है। ओवरऑल डिज़ाइन बैक साइड से इसका भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इनके डिस्प्ले की बात कर लीजिए तो डिस्प्ले वाली साइड से दोनों ही तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं। यहाँ जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसके अंदर हमें 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 1080p x 2400 पिक्सल, और इसके अलावा इसके अंदर हमें जो 90Hz का रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जब ये बात कर लीजिए वीवो V20 की, तो इसके अंदर भी हमें 6.44 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी AMOLED डिस्प्ले है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन है 1080p x 2400 पिक्सल्स, इसके अंदर भी हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं डिस्प्ले वाली साइड से, यहाँ पर स्मूथनेस दोनों की अच्छी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑब्वियसली सैमसंग के काफ़ी बेटर होते हैं। तो यहाँ पे ये चॉइस मेरी भी होने वाली है और आपको भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि सैमसंग का डिस्प्ले काफ़ी बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनके प्रोसेसर्स की, तो प्रोसेसर दोनों के सेम है, यहाँ पे दोनों के अंदर ही हमें स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रोसेसर है 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इसके साथ हमें एंड्रॉइड 618 का GPU भी मिलता है देखने को। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है स्मार्टफोन की दोनों ही स्मार्टफोन की सेम होने वाली है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के थोड़े बहुत फ़र्क हो सकता है। इसके अंदर हमें 40 FPS का जो PUBG गेम प्ले है दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, बाकी मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया एप्स, डेली यूज़ वगैरह दोनों के अंदर ईजिली हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने में आएगी। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों के अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 11। अब यहाँ पर जो सैमसंग है इसके अंदर हमें जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसके अंदर हमें 1 GUI 3.1 देखने को मिलेगा, जबकि जो वीवो V20 है उसके अंदर हमें उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फन टच OS वो देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सैमसंग का 1 UI है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी क्लीन लुक प्रोवाइड करता है। तो मेरी जो चॉइस है और आपको मैं वही रिकमेंड करूँगा कि उसकी तरफ भी जाएँ सैमसंग के 1 UI की तरह। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमराज की, तो कैमराज वाली साइड से भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हैं, लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है ये ज़्यादा बेटर है। इसकी इस बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन सेंसर 64 MP का, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 का मैक्रो और 5 का ही हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। जबकि फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पर जो पंच होल है उसके अंदर हमें 32 MP का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लीजिए वीवो V20 की, तो इसकी बैक साइड पर भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन सेंसर 64 MP का है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 का हमें एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक सेंसर मिसिंग है, यानी कि डेप्थ सेंसर है, मेरे ख्याल से 3rd सेंसर जो मैक्रो सेंसर है वो हमें अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर ही देखने को मिल जाता है। जबकि फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे हमें 44 MP का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा।
तो ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी की बात कर लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसके अंदर में काफ़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जो कि काफ़ी अच्छी पिक्चर प्रोवाइड करता है, बाकी जो ओवरऑल कैमराज हैं वो भी काफ़ी बेटर हैं। तो यहाँ पे जो मेरी चॉइस है आपको भी मैं वही रिकमेंड करूँगा, जो सैमसंग का कैमरा है सैमसंग गैलेक्सी A52 काफ़ी बेटर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी बैटरी की, तो बैटरी वाले साइड से भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप सी तो है ही, इसके अलावा 25 W की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। जबकि यहाँ पे वीवो V20 की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 4000 mAh की बैटरी और इसके अलावा टाइप सी है, इसके अंदर भी फास्ट चार्जिंग जो है 33 W की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी है वो सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर देखने को मिल जाएगी और थोड़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग जो है वीवो V20 के अंदर देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है वो ज़्यादा बेटर है, 8 W की फास्ट चार्जिंग से इतना कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, तो आपको अच्छी खासी बैटरी प्रोवाइड भी कर देगा और फास्ट चार्जिंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो यहाँ भी चॉइस सैमसंग गैलेक्सी A52 ही है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इन मोबाइल फोन के थिकनेस और वेट की, जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है ये हमें 8.4 mm थिक और 189 ग्राम के करीब इसका जो वेट है वो देखने को मिल जाता है। जबकि बात कर लीजिए वीवो V20 की, तो ये जो स्मार्टफोन है 7.38 mm थिक देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो इसका वेट है 171 ग्राम का देखने को मिलता है। तो नो डाउट यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है थोड़ा थिक देखने को मिलेगा, थोड़ा हैवी भी एज़ कम्पेयर टू वीवो V20, वरना वो भी अच्छा स्मार्टफोन है, इतना कोई थिक फील नहीं होता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो वीवो V20 है ये ज़्यादा स्लिम है और थोड़ा लाइटर वेट भी है, तो इसकी जो हैंड फील है वो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है वीवो V20 की। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आप अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से खरीद सकते हैं, आपको थोड़ा स्लिम चाहिए या लाइटर वेट चाहिए तो वीवो V20 की तरफ जाएं, अगर आप 8.4 नॉर्मल थिकनेस से भी आप गुजारा चल जाता है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन मेरे ख्याल से हो गया है, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो दोनों के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, दोनों ही हमें अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से मिस नहीं हुई, अगर मिस हो गई है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट की, फाइनल कंक्लूजन की कि आपको कौन सा बाय करना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है वीवो V20 से, यहाँ पे कैमराज भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, डिस्प्ले भी बेटर है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसर है ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तो उसके मैं इतना नहीं कह सकता, बैटरी वाली साइड से भी ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली साइड से भी बेटर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A52 काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू वीवो V20, और आपको भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप वो बाय करें सैमसंग गैलेक्सी A52 को। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप कौन सा बाय करेंगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई सारी न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।